सजनीपुर नाम का एक सुंदर पहाड़ी इलाका होता है। वहां हर साल कई टूरिस्ट घूमने आते थे। उसी इलाके में एक छोटा सा गांव था चंचलपुर। एक बार चंचलपुर में शहर से 3 टूरिस्ट घूमने आते हैं, सुनील, रवि और हीरा। वे पूरे गांव में घूमकर प्रकृति का आनंद लेते, पेड़ों से तोड़कर फल खाते और फोटो खींचते। एक रोज वो ऐसे ही घूम रहे थे, तभी उनके पास एक पागल बुढ़िया आ जाती है। चले जाओ यहाँ से, मारूंगी, भाग जाओ। फिर वह बुढ़िया उन्हें डंडे से मारने के लिए उनके पीछे भागने लगती है। भागते भागते वे तीनों अपने होटल में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये क्या बला था? मुझे तो लगा आज मेरा सिर गया। अरे कोई पागल बुढ़िया थी, देखा नहीं तुमने? हम डरे और उसने हमें और डराना चालू कर दिया। हाँ सही कहते हो, कल से हम उस साइड नहीं जाएंगे, और वो पागल बुढ़िया कहीं दिख भी गई तो कट लेंगे वहाँ से, बता रहे। फिर वे तीनों सो जाते हैं। आधी रात होने पर जंगल से किसी के रोने की आवाज आती है। भाई सुनील, भाई हीरा, उठो, देखो लगता है कोई रो रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ चीजें डरावनी होती जा रही हैं। अबे बेवकूफ, ये गांव जंगल के बीचों बीच है, और बता जंगल में कौन रहते हैं? जंगली जानवर। हाँ डरपोक रवि जी, इस जंगल में जंगली जानवर हैं, वही रो रहे हैं। वे तीनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह वे फिर से गांव घूमने निकल जाते हैं। उन्हें वो पागल बुढ़िया फिर से मिल जाती है। चले जाओ, और वह डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाती है। थोड़ी देर में वे तीनों फिर से होटल पर पहुंच जाते हैं। यार तुम दोनों पागल हो, एक कमजोर सी पागल बुढ़िया को देखकर भागने लगते हो, हैं? तुम्हारे साथ फिर मुझे भी भागना पड़ता है। बताओ, हमें उस बुढ़िया को सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमारी ट्रिप की ऐसी तैसी कर देगी, बता रहे। भाई हीरा, मैं कहां भागता हूं? सबसे पहले तो इस रवि की हवा निकल जाती है, इसकी वजह से मुझे भागना पड़ता है। भाइयों, ये गाँव बहुत अजीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुझे जाना है तो तू जा, हम तो यही इंजॉय करेंगे। गाँव में लड़कियां देखिए कितनी सुंदर है, मैं तो यहाँ तुम्हारी भाभी ढूंढ कर ही जाऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर रवि अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद, हे ईश्वर, मैं आ तो गया बाहर, लेकिन शहर जाऊंगा कैसे? भाग यहाँ से, चला जा यहाँ से, चला जा। वह डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। आई मम्मी बचा लो, अरे मर गया रे, भागो रे। बुढ़िया से बचने के लिए वह जंगल में घुस जाता है। थोड़ी देर में उसे एक बस स्टैंड दिखता है। अरे वाह, बस स्टैंड, बस अब कोई सवारी आ जाए और इस मुसीबत से मेरी जान बचे। थोड़ी देर में वहाँ एक टैक्सी आती है। टैक्सी को एक सुंदर लड़की चला रही होती है। अरे वाह, आम के आम, गुठलियों के दाम। मुझे टैक्सी आने से ज्यादा खुशी तो इस लड़की के आने से है, इसे तो मैं पटा ही लूंगा। फिर वो उस टैक्सी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद, तुम बहुत सुंदर हो, मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। उसके यह बोलते ही वह लड़की टैक्सी रोक देती है और एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। ले ले बाहों में राजा, आ जा जल्दी आ जा। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं? क्या आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं? गाइस, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग क्वारंटाइन का हैक शेयर करने लगी हूँ। इससे आप 5000 रुपीस पर डे तक की इनकम कमा सकते हैं। ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहता है तो आप 85% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तो और, ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन 100% लीगल है। अगर ये लीगल नहीं होती तो यहाँ अवेलेबल भी नहीं होती। आइए मैं आपको ट्रेड कर दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैंने 3500 रुपीज लगा के प्रेडिक्ट करती हूँ।
ऊपर ऊपर ऊपर। और ये क्या दोस्तों, मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 है और जीते हुए अमाउंट को इजीली बैंक अकाउंट या पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपके डिपॉजिट में मिलेगा डबल, 10 के डिपॉजिट में 20। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 60,000 रुपीज बिनोमो ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो दोस्तों अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहती हो, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दो छिछोरे, तुम शहर के छिछोरे आकर गांव की भोली भाली लड़कियों को तंग करते हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वह चुड़ैल रवि को मार देती है और उसकी लाश जंगली जानवरों को खिला देती है। वहीं दूसरी ओर हीरा और सुनील अपने कमरे में सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल से किसी के हंसने की आवाज आती है। भाई हीरा, आज तो जंगल से किसी के हंसने की आवाज आ रही है यार, जानवर हंसते तो नहीं है भाई, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें भी सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, सही कहते हो, बस दुख एक बात का है, तुम्हारे लिए कोई भाभी नहीं मिली। फिर सुबह होने पर वे दोनों भी शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें वही पागल बुढ़िया मिल जाती है। मर गया, तुम्हारा दोस्त मर गया। वे दोनों फिर उस बुढ़िया से बचने के लिए भागने लगते हैं। थोड़ी देर में वे दोनों उसी बस स्टैंड के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वही लड़की टैक्सी लेकर आ जाती है। अरे वाह, क्या लड़की है, लगता है तेरी भाभी मिल गई। तू सामान उठा के ला, मैं जाके हाय हेलो करता हूँ। फिर सुनील सामान उठाने लगता है और हीरा अंदर बैठ जाता है और वह टैक्सी गायब हो जाती है। यह देखकर सुनील दंग रह जाता है और हीरा को लगता है कि टैक्सी चली गई है। अच्छा किया मेरी रानी, उसे छोड़ दिया। तुम कितनी सुंदर हो, उफ, जरा चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही वह लड़की हीरा की तरफ मुड़ती है वह एक चुड़ैल बन जाती है। कौन हो तुम, मुझे जाने दो। अब तो नरक में ही जाएगा तू शहरी छिछोरे। फिर चुड़ैल उसे मार देती है और लाश जानवरों को डाल देती है। वही सुनील भागा भागा उस बुढ़िया के पास पहुंच जाता है। मर गया ना तेरा वो दोस्त भी। अम्मा क्या आप जानती हैं कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ, वो चुड़ैल मेरी ही बेटी है। कुछ साल पहले यहाँ शहर से एक टैक्सी में कुछ लड़के घूमने आए, उन्होंने मेरी बेटी को बहला फुसला कर टैक्सी में बिठा लिया और फिर बेरहमी से उसे मार दिया। तब से वो चुड़ैल बन गई। पहले उन टैक्सी वाले लड़कों को मारा और फिर अब जो भी इस गांव में शहर से आता है उन्हें मार देती है। पर अम्मा, ऐसे तो लोग इस इलाके में आना ही बंद कर देंगे और कई लोगों की आमदनी छिन जाएगी, और हर कोई लड़का तो एक जैसा नहीं होता ना, मैं हर लड़की को अपनी बहन की तरह देखता हूँ, इसका कुछ समाधान बताओ अम्मा। ठीक है, तुम रात 12 बजे आ जाना, मेरी बेटी मुझसे 12 बजे मिलने आती है रोज। फिर 12 बजते ही वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर में वह चुड़ैल वहां टैक्सी लेकर आ जाती है। कौन है ये माँ? सुनिए चुड़ैल जी, मुझे अम्मा ने सब बता दिया है, मुझे आपकी मृत्यु का बहुत दुख है, लेकिन आप हर बेगुनाह को मारेंगी तो ये इलाका भूतिया घोषित हो जाएगा। तो क्या करूं, ऐसे ही अपने यहाँ की भोली भाली लड़कियों को परेशान होती देखती रहूं? नहीं चुड़ैल जी, इसके लिए मैं एक मंदिर बनवा देता हूँ, वो भी गांव की सीमा पर, और वहाँ लिखवा देता हूँ कि इस गांव की लड़कियों को जो गंदी नजर से देखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इस तरह गांव की लड़कियाँ हंसी खुशी रह पाएंगी। ठीक है, पर किसी ने भी अगर गांव की लड़कियों को तंग किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, कम से कम बेगुनाह लोगों की जान तो बचेगी। मैं कल से ही मंदिर बनवाने का काम शुरू करता हूँ चुड़ैल जी। फिर सुनील गांव की सीमा पर एक मंदिर बनवा देता है, साथ ही लिखवा देता है गांव की लड़कियों को गंदी नजर से ना देखें, नहीं तो मृत्यु निश्चित है और सभी टूरिस्ट का दर्शन करना अनिवार्य है। ये बात हर जगह फैला देता है।